हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज विनय कुमार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहां से हम अपना नोट्स ओपन कर ले रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमारा रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, कंप्यूटर के जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने की टेक्निक है। अब कंप्यूटर में इसका यूज क्यों आ गया? तो जो कुछ डेटा हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे कोई नंबर हो, चाहे इमेज हो, चाहे कोई सिंबल हो, कुछ भी अगर हम इनपुट कराते हैं तो कंप्यूटर जो है हम लोगों का लैंग्वेज नहीं समझता है, तो काम कैसे करेगा? जब लैंग्वेज ही नहीं समझ में इसको आएगा तो काम कैसे करेगा? तो जैसे अब मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश आता है, हमको हिंदी आता है। अब कम्युनिकेशन हम दोनों लोगों में नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको दोनों लैंग्वेज आता हो। तो हम क्या करेंगे? जैसे आपसे अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या करेंगे कि थर्ड पर्सन को हम हिंदी में बोलेंगे, तो वो ट्रांसलेट करके आपको बताएगा इंग्लिश में, और आप उसका आंसर जो है इंग्लिश में बताएंगे थर्ड पर्सन को, फिर वो ट्रांसलेट करके हमको बताएगा हिंदी में। तो हमने इनपुट किया हिंदी और आउटपुट भी हमको हिंदी मिला। जैसे हम लोग इंग्लिश में कीबोर्ड से अपना नाम लिखते हैं और मॉनिटर में देखते हैं इंग्लिश में नाम लिखा हुआ हमारा आता है, तो इसके बीच में जो है वो ट्रांसलेटर काम करता है। तो कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है? तो वह बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज में तो 0 और 1 होता है, इसके अलावा कोई भी इसको जो है लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है, व्हेन वी टाइप सम लेटर्स और वर्ड्स, जब हम लोग कोई लेटर या फिर वर्ड्स को टाइप करते हैं, द कंप्यूटर ट्रांसलेट्स देम, तो कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करता है इन नंबर्स, नंबर्स में, एज कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली नंबर, जो वह केवल नंबर समझता है उसमें वह ट्रांसलेट करता है। अब वह चाहे कोई सिंबल हो गया, चाहे कोई अल्फ़ाबेट हो गया, चाहे कोई डिजिट हो गया, या फिर इमेज हो गया, कोई भी हो गया, तो उसको वह ट्रांसलेट करेगा नंबर में, और किस में? बाइनरी में, जिसको वह समझता है। तो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम यूज होते हैं, और वह 4 प्रकार के यूज होते हैं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी में इसमें जो बेस होता है या फिर रेडिक्स जो होता है वो 2 होते हैं। आप चाहे इसको बेस बोलिए या फिर बिट्स बोलिए, कि बाइनरी में जो है वह 2 बिट्स लेता है, और ऑक्टल में 8 बिट्स लेता है, और डेसिमल में 10, और हेक्साडेसिमल में 16 बिट्स लेता है। तो बेस या रेडिक्स 2 हो जाएगा। अगर हम रेंज की बात करें 0 से 1, तो 0 और 1 को अगर हम काउंट कर लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 होता है, तो रेंज हो जाएगा 0 से 7, 1 से 7, तो यह हो जाएगा 0 को काउंट कर लेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 होता है, बेस या रेडिक्स 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 होता है, और यह जो है इसका जो रेंज है वो 0 से लेकर के 15 तक। अब जहाँ पर सिंगल डिजिट है, अगर यह आया तो हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे है, और जिस नंबर में डबल डिजिट आने लगेगा तो उसको एक अल्फ़ाबेट से हम शो कराते हैं। जैसे 10 आ गया तो A लिखेंगे, 11 आ गया तो B लिखेंगे, 12 आ गया C लिखेंगे, 13 आ गया तो डी लिखेंगे, 14 आ गया तो ई लिखेंगे, 15 आ गया तो एफ़ लिखेंगे। अब 16 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 16 आया तो 16 से कट करके 0 हो जाएगा। तो जब भी आने वाला है डबल डिजिट में तो 10 to 15 ही आएगा, तो आपको ए से लेकर के एफ तक ही लिखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि 16 आ गया तो ई लिख देंगे, तो 16 आएगा ही नहीं। वो हम आपको दिखाएंगे जब हेक्साडेसिमल नंबर आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें दिखाएंगे कि 16 कैसे कट के डिवाइड होकर के 0 आ जा रहा है, या फिर 16 कैसे नहीं आएगा।
और इसको अल्फ़ाबेट से क्यों शो कराते हैं ये भी हम उसमें आपको बताएंगे। तो अब आगे जो है हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। तो पहला सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। इसको करने के दो मेथड हैं, तो पहला डिवीजन मेथड और दूसरा टेबुलर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन मेथड सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग पेन और पेपर पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग वहाँ पे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। इसको करने के दो मेथड है, पहला मेथड डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिवीजन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 123 ये दिया है डेसिमल में और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क बाइनरी में। तो 10 जिसके बेस में ये 10 रहेगा, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो वैल्यू दिया गया है ये डेसिमल में दिया गया है और आपको बताना है बाइनरी में। तो डिवीजन मेथड से करते हैं, तो 123 को हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? बाइनरी 2 से। और इधर हम लिखेंगे रिमाइंडर। यानी कि शेषफल। दो से डिवाइड करते हैं तो 2 6 12, 2 1 2, यहां पे 1 बचा तो 1 यहां पे आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 60 होता है, 1 बचेगा तो 1 हमारा यहां आ जाएगा। फिर यहां से 2 से 2 1 2, 1 बच रहा तो यहां पे 10 हो जाएगा, 2 5 10, कुछ नहीं बचेगा तो 0। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 1 बच रहा तो 1 हम यहां पे लिख देंगे। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 बच रहा 1 यहां पे लिख देंगे हम। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 2, और 1 बच रहा 1 यहां पे लिख देंगे। अब यहां पे 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स ले जाएंगे, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1। अब जैसे यहां पे दिखाएं कि कैसे क्या करते हैं, कि अगर 2 से हम डिवाइड किए 123 को, तो 2 6 12, इसको माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0। यहां पे 3 आ जाएगा तो 1 टाइम्स जाएगा, 2 1 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। तो इसको 61 को हमने यहां पे लिखा है और जो रिमाइंडर बचा है वो हम यहां लिखे हैं। उसी तरीके से अगर हम 2 से हम डिवाइड करेंगे 1 को, तो डिवाइड करते टाइम हम यह ध्यान देते हैं कि या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो अगर हम एक बार ले जा रहे हैं 1 टाइम्स 2 1 2, तो 1 से वो ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 1 टाइम्स ना ले जा करके 0 टाइम्स ले जाएंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1। तो इसको हम यहां पे लिख दिए और जो रिमाइंडर बचा वो हम यहां लिख दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि 0 उतारिए या फिर 0 टाइम्स ले जाइए, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। या फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो डिवाइड हो रहा है अगर वह छोटा तो वही रिमाइंडर शेषफल बच जाता है। तो इसको जो है लिखने का क्रम नीचे से ऊपर होता है। अब जैसे अगर आपको आंसर लिखना है तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? 123 ये आपका डेसिमल में है, इक्वल बाइनरी में लिखना है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 1, ये जो आपका आया ये आपका बाइनरी में आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये था डेसिमल टू बाइनरी। अब अगर एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, अगर कोई दशमलव में दिया है, जैसे 209.45, इसको कैसे करते हैं? ये आपका दिया है डेसिमल में और आपसे पूछ रहा है यहां पे आप बाइनरी में बताएं। तो यहां पे
जैसे ये होल नंबर वाला किए हैं वैसे हम ये होल नंबर वाला कर लेंगे। इसके बाद जो दशमलव वाला है वो आगे करके हम दिखाते हैं। तो पहले 209 को आप सॉल्व कर लीजिए। 209 इसको जो है आप डिवाइड करिए, यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे, दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे 0, 2 4 8, 1 बचेगा तो यहाँ पे, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 5 10, 2 2 4, कुछ नहीं बचेगा तो 0। इसके बाद फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 12, कुछ नहीं बचेगा तो 0। इसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, कुछ नहीं बचेगा तो 0। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 1 बचेगा तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, कुछ नहीं बचेगा तो 0। इसके बाद 2 से डिवाइड करिए, 2 1 2, 1 बच रहा तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स 1 यहाँ पे, और इसको लिखने का क्रम नीचे से ऊपर। ये तो जो 209.45 209 था उसको हम सॉल्व कर लिए। अब 0.45 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहां पे 45 गुणे दो तो 90 आएगा, 90। दो अंक पे दशमलव था, दो अंक पे दशमलव लगा दिए, अगर इधर 0 लगा दिए तो इससे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, 0.90। अब इधर जो 0.90 है फिर इधर हम ला करके लिख देंगे 0.90, फिर मल्टीप्लाई बाई 2। अब 90 गुणे दो 180 तो 1.80, दो अंक पे दशमलव लगा देंगे, फिर 0.80 इधर आ जाएगा, 0.80 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 82 × 2 हमारा 160 हो जाएगा, यानी कि 1.60, फिर 0.60 हमारा यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो 60 गुणे दो 120, यानी कि 1.20। फिर 0.20 इधर लाइए, 0.20 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 20 × 2 = 40, दो अंक पे दशमलव इधर हम 0 लगा देते हैं। बस 3-4 बार करिए, उसके बाद रोक दीजिए। और कहाँ पे रोकना है, जैसे जो जहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ पे 0 आया, फिर 1 1 1, फिर 0 आ गया, यानी रिपीट होने लगा, या फिर यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू आई होती और उसके बाद छोटा होता चला गया, छोटा हुआ उससे छोटा, उससे छोटा, फिर अचानक से बढ़ जाए, वहाँ स्टॉप कर देंगे, या छोटी वैल्यू आई, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अचानक फिर छोटा हो जाए, तो जब रिपीट होने लगे तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर जो ये होल नंबर में आया इसको आप यहां पे लिख लें, 0 1 1 1 0, तो ये नीचे से ऊपर था और यह ऊपर से नीचे हो जाएगा। आंसर क्या लिखना है, 1 1 0 1 000 1.0 111, दशमलव के बाद चाहे जितना 0 लगा सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, और यह हमारा आंसर आ गया बाइनरी में। तो ये हम सीखे डेसिमल टू बाइनरी, इस तरीके से आपको जो है निकालना है। अब इसको करने के एक मेथड और है, यह तो पहला मेथड हम लोग सीखे डिवीजन मेथड से, अब सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। तो सेकंड मेथड, डिवीजन मेथड हो गया, टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड में तो इसमें हम टेबल बनाएंगे, टेबल यूज करेंगे। जैसे टेबल बनाते हैं, 1 इसका डबल करते जाइए, 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32, 64, 128, तो ऐसे इसका डबल होता चला जाएगा। अब जैसे हम आपसे ये कहें कि ये आपके पास क्वाइन है, 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, मान लीजिए कि आपके पास एक क्वाइन है, आप किसी दुकान पे गए और वहां पे आप जो है 12 रुपए का आपने सामान लिया, अब दुकानदार को 12 रुपए देना है, तो इसमें से आप कौन कौन सा क्वाइन दे देंगे कि 12 रुपए हो जाए, ना कम देना ना ज्यादा देना है,
एग्जैक्ट देना है। तो आप कहेंगे कि 8 दे देते हैं और 4 दे देते हैं, इसको नहीं देते हैं। तो जिसको देना है उसके नीचे 1 और जिसको नहीं देना है उसके नीचे 0। 0 यह बताता है कि इन दोनों को नहीं लिया गया है, और जिसके नीचे 1 है यह बताया गया कि इसको लिया गया है और इसको लिया गया, यानी कि इन दोनों को ऐड किया गया है। तो 8 और 4 को आप अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो यही इसकी बाइनरी हो गई। बाइनरी क्या हो जाएगा? 1100। तो बाइनरी लिखेंगे 1100। अब इसी को हम डिवीजन मेथड से करके दिखाते हैं। जैसे हमने बोला कि 12 को आप जो है डिवाइड करिए, इधर रिमाइंडर लिखना है आपको। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, कुछ नहीं बचेगा तो 0। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचेगा तो 0। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, एक बचेगा तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 से 0 टाइम्स, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे से ऊपर। आंसर अगर आपको लिखना है तो 1100, ये आपका बाइनरी में आ जाएगा। तो देखिए यही हमारा यहाँ पर भी आया हुआ है। तो यहाँ पे करने पे डिवीजन मेथड से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, और टेबुलर मेथड से हम देख करके तुरंत बता लिए। अब जैसे अगर आपको 11 रुपए देने होते दुकानदार को, तब क्या करते? तब आप देते 8 देते, 2 देते, 1 का कॉइन देते, यानी कि 8 2 10 1 11। तो आप इसको लेते, इसको नहीं लेते, तो 2 ले लेंगे और 1 ले लेंगे। अब इसको ऐड करिए, 8 2 10 1 11, तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी? 1011। तो 1011। अब अगर 10 रुपए देने होते तब, तो 8 2 इसको दे देते, 4 और 1 को नहीं देते, तो 101। अच्छा, इधर 0 क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि इधर तो इनफाइनाइट है, इसका डबल होता चला जाएगा, तो कितना 0 हम लगाएंगे? तो लेफ्ट साइड का 0 का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन राइट साइड का 0 का मतलब होता है। अब जैसे हमको 10 रुपए देना है, तो 8 और 2 दे देंगे, 10 रुपए हो जाएगा, और 4 और 1 को नहीं देंगे, तो इसके नीचे हमारा 0 हो जाएगा। तो 8 2, तो 1010, इसकी बाइनरी हो जाएगी 1010। अब डायरेक्ट आप लोग बाइनरी बताइए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे 9 की बाइनरी अगर हम पूछे तो क्या बताएंगे? तो 1001 कैसे हुआ? 8 1 9 9 आ गया यहाँ पे, तो 1001, इन दोनों को नहीं लेना है। 9 की बाइनरी 1001। 8 की बाइनरी अगर हम पूछे तो 1000, 1000। 7 की बाइनरी अगर हम पूछे तो 421, 7 हो जाएगा। 4 2 6 1 7, तो 111। अगर हम 6 की बाइनरी पूछ लिए तो 4 2 6 1 1 0, 1 1 0। और अगर हम 5 की बाइनरी आपसे पूछे तो 101, 5 की बाइनरी 101 हो जाएगा। 4 की बाइनरी पूछे तो 100, बस हम 4 का ही क्वाइन देंगे, इन दोनों को नहीं देंगे, तो 100, 100। 3 की बाइनरी अगर हम पूछ लिए तो 3 की बाइनरी हमारा 1 1 हो जाएगा। 2 की बाइनरी पूछ लिए, 2 की, तो 1 0 1 0। और 1 की बाइनरी अगर हम पूछे तो 1 की बाइनरी हमारा हो जाएगा 1। और अगर हम वन ट्वेंटी फाइव की बाइनरी पूछ लिए, अब इसका आप जोड़ करके बताइए, तो कौन कौन सा नंबर हम लेंगे यहां से कि 125 आ जाए? तो इसको ऐड करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तो जब तक आप यहाँ पे सोचेंगे उसको आप डिवीजन मेथड से तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे किए हैं, जैसे डिवीजन मेथड से किए हैं, तो 125 रख करके इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो जोड़ने में प्रॉब्लम करे, काफी टाइम लगे, उसको आप डिवीजन मेथड से कर लीजिए, और जिसको देख करके तुरंत बताया जा सके उसको आप टेबुलर मेथड से कर लीजिए। तो अपने अपने जगह पे दोनों इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम बोल देंगे कि नहीं, इससे बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप यही 125, या हम कह देंगे 260 लीजिए,
तो इससे क्या होगा कि जोड़ने में टाइम लगेगा, तो जब तक आप ऐड करेंगे तब तक डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे 125 अगर आपको करना है तो देखते हैं, इन दोनों को ऐड करिए तो 60 70, और इसको ऐड कर लेंगे तो 80 हो जाएगा। 32 एंड 8 को ऐड कर लेंगे 120 हो जाएगा। 5 हमको और चाहिए तो 4 और 1 ले लेते हैं, यानी कि 2 को हम नहीं लेते हैं, बाकी सभी को ले लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 2 को नहीं लेना है, उसके बाद 1 को लेना है। ये हो जाएगा 125 की बाइनरी। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये था आपका टेबुलर मेथड। तो अभी हमने सीखा डेसिमल टू बाइनरी। तो हम जैसे इधर हम पूछ रहे थे डेसिमल 5 दिए, पूछ रहे थे कि 5 का बाइनरी बताइए, तो आप लोग बता दे रहे थे 101। अब अगर हम इसको ना बताएं, 5 को ना बताएं, अगर हम आपसे ये पूछे 101 किसकी बाइनरी है, तो आपको ये बताना पड़ेगा डेसिमल में। तो वही अब हम लोग सीखते हैं। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। अब जैसे हम बाइनरी दे दिए, यहां पे हम टेबल बना देते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, इतना काफी है। अब हम बाइनरी दे रहे हैं, जैसे बाइनरी दे दिए एग्जाम्पल में 1101, अगर हम पूछे या किसकी बाइनरी, तो आप क्या करेंगे, कैसे बताएंगे, तो 1101 यानी कि ऐसे लिख दीजिए 1011, यही हो गया। यानी कि 2 को आपको नहीं ऐड करना है और 841 को ऐड कर लेना है, तो 8 4 12 12 1 13, तो यह जो है ये बाइनरी में है और ये आप जो है बताएं डेसिमल में। अच्छा, डेसिमल में वो होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कहते हैं कि 2 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए, तो 10 रुपए क्या है, वो डेसिमल है। 200 रुपए दीजिए, तो 200 रुपए क्या है, डेसिमल है। या फिर बोले कि 2 रोटी खाना है, तो ये जो 2 नंबर है वो हम डेसिमल में यूज करते हैं। अगर आपको किसी से 13 रुपए लेना है, तो वहां पे आप 13 अगर बाइनरी में कहेंगे तो 1101 रुपीज, तो ये बाइनरी में है और इसका डेसिमल में हमारा 13 रुपए आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 101011, इसका अगर हम पूछे ये बाइनरी में है, आप बताइए इसका डेसिमल में क्या होगा, तो 101011, ये तो 1 को आपको अगर इसको उठा करके इस टेबल में रख लीजिए, रख करके ऐड करके आप बता दीजिए कि कितना आएगा। जैसे यहां पे तो 1 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, 4 को नहीं लेना है, 8 को लेना है, 16 को नहीं लेना है, इसके बाद 32 को लेना है, तो इसको ऐड कर लीजिए। 32 8 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 3 ऐड कर देंगे तो 43 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका आ गया। तो ये था आपका बाइनरी टू डेसिमल।